लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि फॉरएवर में दो चीजों का बिजनेस है। इनकी BMW तो पता नहीं कब आएगी, तुम्हारी BMW का लोगो बनवा देता हूँ CSS। इसके लिए देखो हमें चाहिए क्या, एक तो आउटर सर्कल चाहिए ब्लैक कलर का, उसके बाद इनर सर्कल चाहिए, उसके बाद इसके फोर पीसेस चाहिए, ठीक है। बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद आउटर सर्कल, एक डिव बनाया, लेट्स गिव इट अ क्लास ऑफ BMW, उसके बाद एक इनर सर्कल बनाया, लेट्स गिव इट अ क्लास ऑफ इनर सर्कल, एंड उसके बाद फोर शेप्स जो बनानी है वो बनाते हैं, लेट्स से शेप टाइम्स फोर, सो फोर शेप्स ही बन गए। अभी हम करेंगे इसकी CSS, जो सबसे आउटर है पोजीशन रिलेटिव, हाइट विड्थ लेट्स से 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड बॉर्डर रेडियस 100%। इसके अंदर हमें लिखना BMW, let's create a span element. इसके अंदर हमें क्या लिखना है, BMW. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी पोजीशनिंग करनी, B की पोजीशनिंग दिखा दूं तुम्हें कैसे होगी। Let's say top से 44 pixels and left से 15%. इसको रोटेट करना है बस हमें, ट्रांसफॉर्म रोटेट 310 degrees. मस्त, ऐसी सेम M और W की भी पोजीशनिंग सेट कर लेंगे। अब बारी है इनर सर्कल की, इसकी पोजीशनिंग डन है, टॉप एंड लेफ्ट से थोड़ा थोड़ा अंदर किया मैंने इसे। अभी बचे हैं वो फोर पीसेस, ये और भी आसान चीज है। इसको शेप्स को नेम देते हैं S1, S2, S3, S4. Let's say S1 के साथ हमें क्या करना है, हाइट 47%, विड्थ भी 47%, कलर अभी के लिए कुछ भी दे रहा हूं मैं, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको आधा राउंड बनाना है, राइट, पाई शेप बेसिकली। तो उसके लिए क्या होगा, फर्स्ट 100 रहेगा, सेकंड 200 रहेंगे। मस्त ना, ऐसे ही करके बस तुम्हें चारों बनाने, थोड़ा बॉर्डर रेडियस से खेल के बेसिकली, पहले 100 फर्स्ट पे आएगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ऐसा शेप्स डन है, ठीक है। अभी इसकी पोजीशन सेट करेंगे, सेकंड वाले का क्या आएगा, राइट 0, टॉप भी 0, ठीक है, थर्ड आएगा लेफ्ट बॉटम पे एंड फोर्थ आएगा राइट बॉटम पे, बाकी इसका बॉर्डर कलर चेंजेस वगैरह करके फिनिशिंग देके